प्रदेश के जनपद उन्नाव से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कलयुगी सौतेले पिता ने अपनी दूसरी पत्नी के मासूम बेटे को शराब के नशे में बेरहमी से पीटकर मौत के घाट उतार दिया है। वहीं आपको बता दें कि पूरा मामला पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के घूरखेत गांव का है, जहां पर निवासी सुशील यादव पुत्र अमृत लाल अविवाहित था। गाँव के राजबाबू रावत ने बिहार थाना क्षेत्र के जेल में पति की हत्या में बंद गुड़िया नाम की एक युवती जमानत से छूट कर मुलाकात कराकर 10 माह पूर्व शादी करवा दी थी। गुड़िया के 4 वर्ष का पहले पति का एक 4 वर्ष का पुत्र आशु था, जो अपने माँ के साथ घूरखेत में सौतेले पिता के साथ रह रहा था। 1 माह बाद गुड़िया का जेल से कोर्ट द्वारा पेशी में न पहुंचने पर गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। जमानतदारों के माध्यम से बिहार थाने की पुलिस ने घूरखेत गांव पहुंचकर गुड़िया को गिरफ्तार कर बच्चे सहित जेल में बंद किया। वहीं एक पखवाड़ा पहले सुशील जेल पहुंचकर खुद को पिता बताकर पुत्र आशु को गांव लेकर आ गया। बीते सोमवार की रात नशे की हालत में सुशील ने आशु को बेरहमी से मारपीट कर मौत के घाट उतार दिया। पड़ोसियों ने बच्चे को अधमरा देख इलाज कराने जाने लगे, जिस पर सुशील खुद बच्चे को लेकर बिछिया सियासी ले गया, जहां से हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल से हेलट रेफर कर दिया गया। बुधवार देर रात उसकी मौत हो गई। एम्बुलेंस से शव लेकर भोर पहर गांव पहुंचकर बेटे के शव को कपड़े से ढककर एक कमरे में बंद कर बाहर से कमरों में कुंडी लगाकर भाग गया। सुबह जब सुशील का बड़ा भाई सुनील घर के अंदर आया तो आशु का शव कमरे में पड़ा देखकर ग्राम प्रधान को सूचना दी। वहीं मौके पर ग्राम प्रधान रामशंकर ने पहुंचकर पुलिस द्वारा डायल 100 को सूचना दी। वहीं पूर्वा के एसआई भास्कर देव तिवारी व पीआरवी मौके पर पहुंच शव को घर से बाहर निकाला तो वहीं ग्रामीणों व उसके बड़े भाई सुशील से घटना की पूछताछ की तो भाई ने बताया कि सुशील अक्सर मासूम बेटे को नशे की हालत में मारता पीटता था। 2 माह पहले भी इसको बेरहमी से मारा था, जिस पर गुड़िया ने डायल 100 को सूचना भी दी थी। पीआरवी ने पहुंचकर एक पड़ोसी को सुपुर्द आशु को कर दिया था। मेरे भाई ने पड़ोसी के घर से पुत्र को लाकर अपने पास में रख लिया। सोमवार को बेरहमी से मारा पीटा गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए शशांक मिश्रा की रिपोर्ट, बिछिया उन्नाव। जिलाधिकारी महोबा ने बिलरई के 30 हेक्टेयर वन क्षेत्र का भ्रमण किया, जहां पर आपको बता दें कि प्रदेश को हरा भरा बनाने एवं जनसामान्य के अच्छे जीवन हेतु आदर्श पर्यावरण उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना के तहत 22 करोड़ पौधारोपण योजना के तहत जनपद में 14.66 लाख पौधों के रोपण की 70% सफलता है। जिलाधिकारी AK तिवारी ने बुधवार की शाम कबरई विकासखंड के अंतर्गत 30 हेक्टेयर में स्थापित बिलरई वन क्षेत्र एवं भटीपुरा में स्थापित किए जाने वाले गांधी उपवन क्षेत्र का भ्रमण किया। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सभी अधिकारीगण अपने क्षेत्र से जनप्रतिनिधियों से वृक्षारोपण का शुभारंभ कराएंगे। बिलरई वन क्षेत्र के भ्रमण के दौरान CDO हीरा सिंह, DFO रामजी राय एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी भी मौजूद रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रमन दीक्षित के साथ भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, महोबा बुंदेलखंड। मुरादाबाद में कृति फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा मिशन 1001 के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। आपको बता दें कि आज दिनांक 8 अगस्त को सुबह 10:30 बजे सराय गुलजारीमल व 11 बजे PS कन्या प्राथमिक विद्यालय नियर कचहरी रोड पर कृति फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा मिशन 1001 के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कृति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष RK भारत उर्फ राजेंद्र भैया ने स्कूल में बच्चों को पर्यावरण बचाओ, बेटी बचाओ, पानी बचाओ, स्वच्छ भारत अभियान, नशा मुक्त अभियान पर विस्तार से अवगत कराया। वही महानगर अध्यक्ष महिला विंग दीपमाला राजपूत ने कहा कि हम सभी अभियानों को महिलाओं तक पहुंचाएंगे और अपने साथ अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़कर यह अभियान लगातार चलाते रहेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित जिला प्रभारी जग्गू बोहरा, संयोजक सुनील कुमार, महानगर मीनिया प्रभारी अजय सैनी, महिला विंग महानगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष गायत्री सैनी, महानगर कार्यकारिणी सदस्य कुसुम सैनी आदि लोग मौजूद रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सलमान की रिपोर्ट, मुरादाबाद।
मथुरा में पुलिस और स्वार टीम ने शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां पर 4 हथियार तस्कर गिरफ्तार किए गए। 5 लोगों की तलाश में पुलिस जुटी हुई। कोसीकला थाना इलाके के उटावर गांव में चल रहा था ये अवैध शस्त्र बनाने का पूरा कारोबार, जहां पर भारी मात्रा में बने हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला मथुरा का है, जहां पर कोसीकला पुलिस ने सीओ छाता के जगदीश कालीन रमन के नेतृत्व में अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। बताया जा रहा है कि कोसीकला के उटावर गांव में करीबन 2 महीने से अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री की सूचना मिल रही थी, लेकिन पुलिस को उसके ठिकाने का पता नहीं चल पा रहा था। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने उटावर गांव में छापेमारी की, जिसके दौरान अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। घटनास्थल से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 3 बंदूक, 4 तमंचा व देसी पिस्टल भी बरामद किए गए। पकड़े गए आरोपियों ने यह भी बताया कि उनके गैंग में 5 और लोग शामिल हैं। पकड़े गए 7 आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस फरार 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है और जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजने का दावा भी कर रही है। ये थाना कोसी के अंदर एसओजी टीम के साथ ये नगला उतार गांव पड़ता है। नगला उतार गांव में आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जर्जीत सन ऑफ दीन मोहम्मद, आमिर पुत्र फारिम और शहाबुद्दीन पुत्र इस्माइल और चौथा व्यक्ति है ढाकेराम पुत्र प्यारेलाल। इन लोगों से अवैध असला जो है बरामद किया गया है। बरामदगी का सामान जो है वो भी बरामद किया गया, जिससे असला मैन्युफैक्चर करते हैं। इनके पास से 3 बंदूकें, 4 तमंचे, 3 देसी पिस्टल और हथियार बनाने के औजार गिरफ्तार किए गए। इनके 5 लोगों के नाम भी प्रकाश में आए हैं जो इनके साथ इस घटना में थे। इस घटना के अंदर वो लोग वांछित हुए हैं, शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो जगजीत है उसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, आर्म्स एक्ट, और इसके अंदर वो पूर्व में भी जेल जा चुका है। और जेल से छूटने के बाद ये जानकारी आई थी कि वो पुनः इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हो रहा है। इसके अंदर एसओजी टीम के साथ सीओ छाता के नेतृत्व में और कोसी की टीम ने दबिश दी थी। जैसा मैंने बताया, ये सब चीज़ें वहाँ से बरामद हुई है और शेष 5 लोगों को भी शीघ्र गिरफ्तार किया गया। ये इनका 2 मोडस ऑपरेंडी अभी तक अपने इंटरोगेशन में इन्होंने बताया कि कुछ असले ही अपने यहाँ से बनाते थे और कुछ असले जो है ये बिहार से यहाँ पर मंगा के सेल करते थे। जैसे मैंने बताया, इसके अंदर इनकी जस्ट अभी गिरफ्तारी हुई है, इनको रिमांड पे लेके और पूछताछ किया जाएगा। जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन इनपुट था कि जो जेल से छूट के जर्जीत आया है, अभी कुछ दिन पहले ये जेल से छूट के आए हैं, पिछले वर्ष भी ये जेल गए थे आर्म्स एक्ट में और पुनः इस तरह की गतिविधि में लिप्त हो गए थे। इसके ऊपर जब हम लोगों ने अपना जो सूचना थी उसको डेवलप किया तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रकाश में आई हैं और शीघ्र बाकी लोगों की, जैसे मैंने बताया, गिरफ्तारी इसमें की जाए। TV1 इंडिया न्यूज के लिए दीपक चौधरी की रिपोर्ट, मथुरा, उत्तर प्रदेश। मथुरा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है और उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए बदमाशों के नाम धर्मेंद्र और रविंद्र हैं, जो कि 25,000 रुपए के इनामी बदमाश हैं। इन बदमाशों ने पूर्व में यमुना एक्सप्रेसवे पर विदेशी महिला के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था। लुटेरों के कब्जे से अवैध तमंचा, लूटा हुआ मोबाइल फोन, पासपोर्ट व USA के $15 व 1 यूरो व अन्य सामान बरामद हुआ है। ये एक पुलिस मुठभेड़ हुई है। इसके अंदर एक घटना 2 महीने पहले थाना नौजील के अंदर हुई थी, जहाँ पर एक विदेशी महिला के साथ लूट की घटना कारित की गई थी। और इसके अलावा भी एक घटना और वहाँ पर लूट की हुई थी। इस घटना का अनावरण किया गया था और इसके अंदर जो है कुल 3 लोगों के नाम प्रकाश में आए थे। आज उनमें से 2 पुलिस मुठभेड़ के अंदर गिरफ्तार हुए। इनके द्वारा जब सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची थी, पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग करी गई, आत्मरक्षा पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जिसके अंदर 2 लोग, रविंदर और धर्मेंद्र, इन दोनों लोगों को गोली लगी पांव में। इन दोनों को जो है हॉस्पिटल लेके गए हैं। इसके अंदर रविंदर का आपराधिक इतिहास है और ये पूर्व के अंदर भी एक बार जेल जा चुके हैं। इसके अलावा जो श्यामवीर है, श्यामवीर का भी आपराधिक इतिहास है। और इसके साथ साथ जो विदेशी महिला था, उनके जो यूरोपियन करेंसी है वो इसके अंदर बरामद की गई है। इसके अलावा जो है उन लोग जो उनका वॉलेट था, जो उनका पासपोर्ट था, उनका वीज़ा, ये सारी चीज़ों की इसके अंदर बरामद की गई। जो 1 व्यक्ति शेष है उसका नाम भी प्रकाश में आ गया है। फर्दर इन लोगों से पूछताछ की जाएगी और ये मूलतः दोनों लोग अलीगढ़ के रहने वाले हैं और शीघ्र जो शेष व्यक्ति है उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। TV1 इंडिया न्यूज के लिए दीपक चौधरी की रिपोर्ट, मथुरा।